हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। और आज मेरे पास एक ऐसा कीड़ा है जो हम लोग अपनी फ्लावर मोन को खिलाना बहुत पसंद करते हैं, तो उसका नाम है, ये देखिए, प्रेइंग मेंटिस। आपको देखने को पन्नी में इसलिए रखा है क्योंकि इसके जो क्लॉज होते हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है, तो उसकी वजह से अगर ये हाथ पकड़ ले तो बहुत जोर का दर्द दे सकता है। तो जो आप ये वाला मेंटिस देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है, और हाँ ये अभी तो बच्चा ही है। मेरे हिसाब से ये कुछ हफ्तों का है क्योंकि जो छोटे मेंटिस होते हैं वो सिर्फ इतने ही साइज़ के होते हैं, और जो बड़े होते हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब जो इतना छोटा आप देख रहे हैं इससे कई गुना बड़ा। और इनमें एक बहुत ख़ास बात ये होती है कि इसमें फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं और मेल छोटे होते हैं। तो जब मेटिंग का सीज़न होता है इन लोगों का, तो मेल फीमेल के पास पहुंच जाता है और हो सकता है फीमेल इसको खा जाए बिना मेटिंग किए। पर कई बार ऐसा होता है कि मेल भाग जाता है, नहीं तो फीमेल के साथ मेटिंग करने के बाद ये जो मेंटिस है वो मेल को खा जाते हैं। तो इस तरह ये लोग तो मेटिंग करते हैं एक दूसरे को खा कर। और हाँ, जो बड़े साइज़ के होते हैं वो हमिंग बर्ड को भी खा जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस टाइप के कीड़ों ने हमिंग बर्ड को खा लिया हो, और आपको ये साइंस फ्रिक्शन मूवी में भी दिखता रहता होगा। और ये हम लोग अपनी फ्लावर हॉर्न को भी खिलाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावर हॉर्न मांगती भी है हम लोगों से। और पहली बार मैंने इसको अपने घर में देखा है क्योंकि लोग खिलाते रहते हैं इस तरह के कीड़े फ्लावर हॉर्न को, और ये फ्लावर हॉर्न के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं क्योंकि इनमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं जिससे हमारे फ्लावर हॉर्न का कलर बढ़ता है और उसके साइज़ जो होता है उसमें भी तेज़ी आ जाती है। और ये जो मेंटिस है इसका आपको मैं हाथ दिखाऊँ, ये देखिए, इसके हाथों पे छोटे छोटे बहुत सारे नुकीले कांटे हैं। तो आप इसको पन्नी के बाहर निकाल, तो इसको आप बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा इसे सावधान रहना पड़ेगा वरना ये हाथ पे काट लेगा। अब तो पहले ये पन्नी में जा नहीं रहा था, अब ये पन्नी के बाहर आ नहीं रहा है, इसको मैं छूना नहीं चाहता हूँ। ये देख रहे हैं ये ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा है, इसको बस अपना रास्ता नहीं मिल रहा है। आ जाओ, तो ये देखिए दोस्तों, इसको आखिरकार मैंने पन्नी के बाहर निकाल लिया। और आप इसके हाथ पे देख रहे हैं क्लॉस, कितने ज़्यादा इस पे कांटे हैं। और दोस्तों, इन जानवरों की सबसे भयानक बात ये है इनसे छोटे कीड़ों की कि ये इनको बार बार भूख लगती रहती है, और ये मतलब हर मिनट, मतलब एक शिकार किया उसके बाद 1 मिनट के बाद इनको फिर खाना चाहिए होता है, मतलब ये खाना खाते ही रहते हैं खाते ही रहते हैं। इसकी वजह से इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। और इनकी एक फेमस स्पीशीज़ होती है जिसको हम लोग ऑर्किड मेंटिस कहते हैं क्योंकि वो ऑर्किड के फूलों में मिलती है और उसका कलर बहुत सुंदर होता है। उसकी वजह से कई सारे कीड़े उसमें फंस जाते हैं और उसकी बाद मेंटिस उनका सफाया कर देता है। तो अब इस मेंटिस का हम लोग ने तो सोचा था फ्लावर हॉर्न को नहीं खिलाएंगे क्योंकि हमारी फ्लावर हॉर्न अभी बहुत छोटी है और हो सकता है यही उसको डैमेज कर दे, इस वजह से हम लोग इसको फ्लावर हॉर्न को नहीं खिलाएंगे। तो चलिए इसको अब छत पे छोड़ने चलते। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen.